हेलो गाइस, आज देखिए सरकारी रिजल्ट पर आज क्या घोषित किया जा रहा है। जो यूपीएसएससी आप देख सकते हैं, मैंने जूम किया है, यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड वैन दरोगा एडमिट कार्ड क्या है आ चुके हैं। आप साइट पर उन्हें जाके देख सकते हैं। ये देखिए जो कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, और ये देखिए एग्ज़ाम डेट आपको दिखाई दे रही है आपके सामने। एडमिट कार्ड 24/4 को क्या है अवेलेबल हो गए हैं, यानी कि आज 24 तारीख को क्या है आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड मेन पे, जैसा कि उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात क्या आपके सामने क्या फॉर्मेट खुलेगा, किसका, UPSSC का। और उसके पश्चात इसमें डालना है आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के पश्चात आपने क्या करना है, अपनी डेट वगैरह डालनी है, मंथ ईयर और जो भी जेंडर है मेल है फीमेल। और एक इसमें आता है हमारे एंटर वेरिफिकेशन कोड आता है, जैसे कि साइड में लिखा है CWB या 15C, कुछ भी आ सकता है। वो सब डाल के पूरी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है, सारी चीज़ें कंपलसरी है, सबसे मेन रजिस्ट्रेशन नंबर ये, यदि वही नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। इसके अलावा जेंडर आप डालिए और डेट ऑफ बर्थ सभी बच्चों को अपनी पता होती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अभी मैंने इसमें डाला नहीं है, मेंशन नहीं किया है, इसीलिए इसमें लिखा आ रहा है कि आप क्या करिए उसमें मेंशन करिए और वो करेंगे तो आपके सामने देखिए तो वो आता है। देखिए इसमें लिखा गया है, क्योंकि मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है, कि प्लीज़ टाइप 11 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लीज़ सेलेक्ट डे एंड डेट ऑफ बर्थ, प्लीज़ सेलेक्ट मंथ डेट ऑफ बर्थ, प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ और प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर मेल या फीमेल, और टाइप करना है वेरिफिकेशन कोड जो कि मैंने आपको दिखाया। ये चेंज भी होता रहता है, कई बार साइट वगैरह बिजी होती है, आपके सामने देख सकते हैं। तो ये आपका UPSSC के क्या गए हैं, हवलदार की पोस्ट है, उसके एडमिट कार्ड आज आ गए हैं। जितनी जल्दी हो सके आप सभी उन्हें निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका सेंटर कहाँ पे। थैंक यू सो मच।